स्टार्ट। देखिए, कल आपने देखा था टाइप ऑफ ओव्यूल, ये एंजियोस्पर्म प्लांट में ओव्यूल कितने प्रकार का पाया जाता है, और आज हम देखेंगे एक प्रारूपिक ओव्यूल की संरचना। एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल की संरचना का अध्ययन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में किया जाता है। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जब इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा किसका, एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल की संरचना का अध्ययन हम किसमें देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। एक मैच्योर ओव्यूल जो होता है वो स्फेरिकल आर ओवल शेप स्फेरिकल माने गोलाकार, ओवल मतलब अंडाकार होता है, और जो ओव्यूल होता है माइक्रोपाइल को छोड़ करके, चारों तरफ से डबल इंटेग्यूमेंट से घिरा होता है। इंटेग्यूमेंट किससे घिरा होता है, डबल इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ होता है। इंटेग्यूमेंट का मतलब आवरण, यानी कि डबल आवरण बाई टेग्मिक होता है, से घिरा होता है। इसका जो मुख्य भाग होता है वो न्यूसिलस होता है। ओव्यूल का मुख्य भाग क्या होता है, न्यूसिलस होता है, और न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियोसाइट होता है। मुख्य भाग यानी कि मेन पार्ट न्यूसिलस, न्यूसिलस माने बीजांड का है, और इस न्यूसिलस में क्या होता है, एम्ब्रियोसाइट होता है, और एम्ब्रियोसाइट में माइक्रोपाइल की तरफ तीन कोशिकाएं, देख रहे हैं, एक दो तीन, ये तीन कोशिकाएं एग एपरेटस का निर्माण करती है। तीन कोशिकाएं एग एपरेटस का निर्माण करती हैं, जिसमें जो मध्य की कोशिका है वो एक सेल तथा दो सिनर्जिक सेल्स कहलाती हैं, यानी कि सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। चलाजा की ओर, यानी कि ये चलाजा है, चलाजा की ओर स्थित तीन कोशिकाएं एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। चलाजा की ओर स्थित तीन कोशिकाएं एंटीपोडल सेल कहलाती हैं, तथा मध्य में चूंकि एक इसका और एक इसका दोनों की कोशिकाएं आकर के आपस में मिलती हैं, और मिलने से जो संरचना बनी हुई है जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। जो ओव्यूल है, यह ओव्यूल फ्यूनिकल के द्वारा
बीजांडासन से जुड़ा होता है। ओव्यूल फ्यूनिकल के द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है। और बीजांडासन क्या होता है? इसी बीजांडासन से ही ओव्यूल पोषण प्राप्त करता है। इस प्रकार से ओव्यूल की प्रारंभिक संरचना हुई। एक बार पुनः देख लिया कि एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का अध्ययन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में किया जाता है। क्या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह ओव्यूल स्फेरिकल आर ओवल शेप्ड होता है। ओव्यूल चारों तरफ से माइक्रोपाइप को छोड़ करके चारों तरफ से डबल इंटेग्यूमेंट द्वारा घिरा होता है, अर्थात यह बाइटेगमिक होता है। ओव्यूल का मुख्य हिस्सा न्यूसिलस कहलाता है। माइक्रोपाइप की तरफ स्थित तीन कोशिकाएं एग एपरेटस का निर्माण करती हैं। तीन कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? एग एपरेटस का निर्माण करती हैं, जिसमें मध्य की कोशिका यग सेल का कार्य करती है तथा दो कोशिकाएं सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। चलाजा की ओर स्थित तीन कोशिकाएं ये एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं तथा बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस स्थित होता है। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण कैसे होता है कि एक कोशिका एक साइड से एक कोशिका एक साइड दोनों पोलर न्यूक्लियाई आकर के बीच में मिलते हैं, जिसके मिलने से सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होता है। ओव्यूल फ्यूनिकल के द्वारा बीजांडासन फ्यूनिकल के द्वारा बीजांडासन से जुड़ा हुआ होता है। यह बीजांडासन ओव्यूल को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार से आपने देखा ओव्यूल की प्रारूपिक संरचना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में अवश्य पूछा जाएगा। आप इसको अच्छी प्रकार से फिगर बना करके तैयार कर लेंगे। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आपने इसकी संरचना को देखा। अब इसमें से एक नंबर का जो प्रश्न आपसे बनता है वो प्रश्न पूछा जाता है कि बीजांडासन का क्या कार्य है, बीजांडासन का क्या कार्य है। तो आप बता सकते हैं कि बीजांडासन इस ओव्यूल को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। क्लियर। और फिर पूछा जाता है आपसे कि फल किसे कहते हैं, फल किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। फिर आगे आपसे देखें, एक प्रश्न और भी आपसे पूछा गया है। परागण के पश्चात पुष्प में पुष्पी पादों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस प्रकार से होती है? जैसे ये सब आपने देखा और ये
ये इसका स्टिग्मा कहलाता है। और हमने आपको बताया है कि जब ये परागकण इस पर आकर के गिरते हैं इस क्रिया को जो पॉलिनेशन कहते हैं। अब जो ये परागकण यहाँ पर गिरते हैं तो यहीं पर इसका फंक्शन समाप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि वातिकाग्र से एक पानी सदृश तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसमें शुगर की मात्रा होती है। इसकी मात्रा शुगर की मात्रा आपके लिए प्रैक्टिकल भी इस पर आधारित है कि जो है प्रयोगों द्वारा प्रदर्शन कीजिए कि किसका परागकण का अंकुरण का। तो ये जो शुगर है इसी में जो है ये अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के बाद जितने भी परागकण इस पर पड़े हुए हैं वो इस प्रकार से अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे नलिकाएं इस स्टाइल के थ्रू अंदर प्रवेश करती हैं? नहीं, केवल एक ही जो है पराग नलिका धीरे धीरे आगे की तरफ इस प्रकार बढ़ती हुई चली जाती है और आगे आकर के पहुंचती है, आगे आकर के पहुंचती है। और यहां पर आप देखेंगे जो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसका। अब यहां पर जो ये लास्ट हिस्सा है इस मेल गैमेट का न्यूक्लियस होता है। लास्ट भाग पर इस नली के जो है मेल गैमेट का न्यूक्लियाई होता है। यह आकर के यहां पर स्थित फीमेल गैमेट यानी कि मेगा स्पोर से मिल करके फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करता है, डिप्लॉयड संरचना बनाता है। तो इस प्रकार से जो बनती है संरचना इसके थ्रू वो जो डिप्लॉयड होती है द्विगुणित संरचना होती है। अब आपसे प्रश्न जो पेपर में आता है पूछा जाता है कि निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। जैसे देखें जब निषेचन हो जाता है तो क्या बनेगा? पहला पॉइंट निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन में पहला पॉइंट क्या? फल भित्ति का निर्माण होता है, फल भित्ति का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट फल का निर्माण होता है। तीसरा क्या है कि जिसके कैलिक्स और कोरोला है मुरझा कर गिर जाते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला मुरझा कर गिर जाते हैं। फिर क्या होता है? जी यहाँ पर स्टॉमेन आपने देखा था, स्टॉमेन ये भी क्या है सूख करके गिर जाता है। तो इस प्रकार से इनिशिएशन के बाद उसमें होने वाले परिवर्तन।